हेलो, राम राम जी। ये मैं बना रही हूँ आज पनीर की सब्जी। देखो, ये सब चीजें मैंने पहले ही तैयार करके रख ली है। ये है प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्च, ये इसमें मलाई है, इसमें दही है, ये हींग है, ये सारे मसाले हैं, जीरा है, पनीर है और दूध है। चलो अब हम तैयार करते हैं। अब हम कढ़ाई में डालते हैं देसी घी। और अब इसके बाद डालेंगे हींग। ये हमने हींग डाल दिया है। इसके बाद डालेंगे जीरा। जीरा जरा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन ये मैंने डाल दी है। जब देसी घी डालते हैं ना, अगर उसमें फिर छोंकने के लिए कुछ भी डालें, देखो ऐसे ऐसे झाग उड़ जाते हैं उसमें। अभी हमारी प्याज भून रही है। प्याज जब तक हमारी गोल्डन ब्राउन होगी, इसे हम ऐसे ही हल्का हल्का घुमाते रहेंगे। ये जो आज पनीर बना रही हूँ जी मैं, ये पनीर हमारा होममेड पनीर है। ये मैंने घर पे ही तैयार किया है, घर के दूध से। देखो अब हमारी प्याज भून रही है। ये जैसे ही हमारी प्याज भुनेगी, उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्च। बस हमारी प्याज भुनने वाली है, 1-2 मिनट में प्याज भुन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर और हरी मिर्च। ये मैंने पहले मिक्सी में पीस के रखे हुए थे। ये देखो, इसमें साथ डाल दूंगी थोड़ा पत्ती पानी। और बाहर हो रही है भी बहुत तेज बारिश। अब हमारे टमाटर भून रहे हैं। जैसे जैसे हमारे टमाटर भूनेंगे, और बारिश काफी तेज बारिश है, पूरा अंधकार हो चुका है और बिजली कड़कड़ा रही है और काफी तेज बारिश बाहर हो रही है। और स्वाति खाना बना रही है। अब हमारे टमाटर भी, हमारे टमाटर बन रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले सारे। सारे मसाले डाल दिए। अब इन्हें भूनने का इंतजार करेंगे तो हमारा टमाटर भून जाए। अभी हमारे टमाटर का सब मसाला भून चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी दही, 3 से 4 चम्मच। दही डालने के बाद हमने इसे घुमा देंगे। और आज ये स्पेशल करवा चौथ के लिए खाना बन रहा है। अब एक बार हमारी ये दही पक जाए, फिर हम इसमें डालेंगे दूध। दूध से ही मैं इसकी सारी ग्रेवी बनाऊंगी। और आप भी देखना एक बार इस तरह पनीर बना के घर में, बड़ा ही टेस्टी लगता है। देखो अब हमारी दही पक चुकी है थोड़ी थोड़ी। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। दही हमारी पक चुकी है। अब मैं इसमें दूध डाल दे रही हूँ। देखो दूध डालते टाइम इसे इसे हल्का हल्का घुमाना है जरूर,
रुकना नहीं है एक मिनट के लिए भी, वरना दूध फट जाएगा। ये देखो ये हमारा दूध मैंने डाल दिया इसमें, अब इसमें उबाल आएगा तब इसमें हम पनीर डालेंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। ग्रेवी पक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे पनीर। अब मैं अपना सारा पनीर इसमें डाल दूंगी। ये देखो पनीर डालने के बाद इसमें थोड़ी देर उबाल आएगा, फिर ये हमारा पनीर तैयार हो जाएगा। बस इसे हम बस 5 मिनट और पकाएंगे। और इसमें मैंने ये जितनी भी हमारी मलाई थी, मलाई हो आपके पास में, क्रीम हो, कुछ भी आप डाल सकते हैं। देखो अब मैं सारी मलाई इसमें डाल दूंगी। बस अब इसे हम बस हद से हद 5 मिनट और पकाएंगे। और 5 मिनट पकाने के बाद बस फिर हम इसे बंद कर देंगे, हमारा पनीर हो जाएगा तैयार। देखो फ्रेंड्स ये हमारा पनीर तो हो गया है तैयार। इधर मैंने हलवा भी बना दिया है, बस हलवा भी हमारा तैयार होने वाला है। और हलवे के बाद मैं बनाऊंगी अब पूरियां। बस हलवा हमारा 1-2 मिनट में तैयार होने वाला है। फ्रेंड्स ये हमारा खाना तैयार हो गया है, अब मैं बना रही हूँ पूरी। ये देखो हमारी पूरी तैयार हो गई है, और ये हमने पनीर तैयार हो गया, हमारा हलवा है, ये मट्ठा है, ये पूरी है, ये हमारे लड्डू हैं, और ये मेरे लास्ट पूरी है। तो बस ये हमने पूजने के लिए अपना सारा खाना तैयार कर दिया है। पहले मैं पूजूंगी और उसके बाद फिर मैं सबके लिए खाना लगाऊंगी। आपको हमारा खाना कैसा लगा? तो फ्रेंड्स अब हम अपना सब काम हो गया है हमारा, अब मैं पूजा कर रही हूँ। और करवा माता से यही प्रार्थना कर रही हूँ, मैं जब तक जीऊँ सदा सुहागन रहूँ, और करवा माता अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम राम जी।